गनर भी गंभीर रूप से घायल। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ठेकेदार की, जिसकी हत्या की गई है। घटना के पीछे ठेके को लेकर विवाद बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने कई ठेकेदारों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी ऑफिस की, जहां पर एक क्लास के ठेकेदार राकेश यादव अपने निजी गनर के साथ कार्यालय पहुंचे थे, और यह भी कहा गया कि इसी दौरान वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने दोनों पर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी उन पर शुरू कर दी, और गोली लगने से ठेकेदार राकेश यादव की मौके पर ही मौत। तो भारत समाचार पर ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब पीडब्ल्यूडी की ऑफिस में ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया। तो हमारे पास अभी एक मरीज लाया गया थाना सदर से, ब्लड डेड था, सस्पेक्टेड असॉल्ट इंजरीज थी, तो पेशेंट को मर्सी में रखा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। घायल एक तो एक व्यक्ति जो था वो तो डेड था, ब्लड डेड, तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो एक जीवित थे, गंभीर स्थिति में उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। पेट में गोली लगी हुई है, जान में गोली लगी हुई, ब्लीडिंग बहुत हो गई, शॉक में पेशेंट, इसलिए ब्लड की व्यवस्था करके इंजाम किया रहा है, स्टेबल करके कोशिश की जाए उनका ऑपरेशन करके जान बचाई। तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में गोली मारकर एक ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया गया। और अमित हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जिस ठेकेदार को ये मारा गया है और जिन लोगों ने गोलियां मारी हैं, उनके बारे में अभी पुलिस क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाई है? देखिए शिवानी, आपको बता दें, घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी ऑफिस की है। हालांकि जो इलाके के ठेकेदार राकेश यादव, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। हालांकि पिछले लंबे समय से इनका जो ठेकेदारी को लेकर इनका कुछ विवाद भी चल रहा था किसी निजी ठेकेदार से। हालांकि पुलिस ने कई टीमें बना के गठित कर दी है, हालांकि इससे जांच की जा रही है कि किसने गोली मारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। बागपत जिले में तमंचे से फायरिंग करने और फिर वीडियो वायरल करने में अब देखिए जो युवा है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। युवाओं का क्रेज इसको लेकर बढ़ता जा रहा है, और एक बार फिर एक युवक का तमंचे से फायरिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की तलाश में जुटी है। जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये युवक देखिए बागपत में तमंचे से फायरिंग करते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस इस वीडियो के सामने आने के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कहती दिखाई दे रही है। वीडियो प्राप्त हुआ है, युवक को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ट्रेस होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या वीडियो है? फायरिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, इसका वीडियो है। आगरा से अगली खबर का दमदार असर। आपको बता दें कि कुख्यात जिम्मी चौधरी को पुलिस ने पकड़ लिया है। कई जिलों में जिम्मी पर कई मुकदमे दर्ज थे। फायरिंग मारपीट के वीडियो से ये दहशत फैलाता था लोगों में, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। थाना सिकंदरा में हिस्ट्री शीटर है जिम्मी चौधरी। तो देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब दहशत वो फैलाता था वीडियो बनाकर फायरिंग करते हुए, और दूसरी तस्वीर देखिए हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की। चंदौली में गांधी कॉम्प्लेक्स से घर की छत पर सांड कूद गया। सांड को नीचे उतारने में लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नैनाताल इलाके में खुलेआम गोवंश घूम रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी तस्वीर ये चंदौली से आती हुई, जब ये सांड छत पर पहुंच गया और काफी देर तक इसको निकालने के लिए वहां पर प्रयास चलता रहा, बाद में इसको नीचे उतारा गया। देखो ये
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंदौली से, जहां पर देखिए एक घर की छत पर ये सांड चढ़ा और उसके बाद किस तरह से इसको रस्सी से खींचते हुए धीरे धीरे नीचे उतारा गया है। और वहां पर आए दिन ऐसे ही जो जानवर हैं वो घूमते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं करता है। अगली खबर का रुख करते कासगंज जनपद के कोतवाली सिड़पुरा क्षेत्र में। इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। आप देख सकते हैं कि कोतवाली सिड़पुरा क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक नाबालिग से गांव के ही चार आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया उसके साथ। और जब नाबालिग खेत पर शौच के लिए गई तभी चारों आरोपियों ने नाबालिग के साथ ये गैंगरेप किया। वहां से आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती किया। लड़की ठीक है, वाइटल सब मेंटेन है और इन्वेस्टिगेशन जो मेडिकल लीगल हो रहा है वो डॉक्टर सब कर रही है और उसी केस से जैसा रिजल्ट है। चार लोगों ने किया है मैम। आसकन जनपद के सिरपुरा थाना क्षेत्र में सोच करने गई किशोरी के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें पूरा मामला सिरपुरा थाना क्षेत्र का है, जिसके बाद मौके पहुंची पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वही मामला गैंगरेप का होने की वजह से पुलिस का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज। अक्षय पालीवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर। अक्षय, जिस युवती के साथ एक गैंगरेप हुआ है उसके बाद पुलिस इनके अपराधियों को किस तरह से सजा दे रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस नाबालिग के संग गैंगरेप के बाद पुलिस ने चार टीमें गठित कर दी आरोपियों पकड़ने के लिए। तो आरोपियों घर पुलिस के द्वारा दबिश भी दी जा रही है, जल्दी आरोपियों पकड़ने का पुलिस टाल्ट हो गई है कि जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारियों के लिए आपका। वाराणसी में फिरोज खान की नियुक्ति पर छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 10 दिनों का समय बीतने के बाद अभी जवाब नहीं दिया गया छात्रों को, उसको लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। जवाब नहीं मिलने से जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने नियुक्ति को लेकर समय मांगा था। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में नारेबाजी हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र अब जवाब मांग रहे हैं। संभल से अगली खबर, जहां पर पुलिस की मिली भगत से यहां पर जुआ खेला जाता है। सरकारी स्कूल में जुए का खेल होता है। पुलिस जुआरियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये खबर है वो थाना हयात नगर क्षेत्र के पास की है। जौलान में नाबालिग से छिड़कानी करना भारी पड़ा। लोगों ने पीटते हुए आरोपी को निर्वस्त करके उसकी बारात भी निकाली। महिला तालाब से गांधी चबूतरे तक ये बारात निकाली गई। आरोपियों को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया। उरई कोतवाली के रामकुंड की घटना है ये। बाराबंकी से अगली खबर, जहां पर 30 नवंबर की डेडलाइन अब देखिए खत्म हो गई। अफसरों की लापरवाही से अभी तक वहां पर स्वेटर नहीं बटे स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में मासूमों को स्वेटर नहीं दिए गए हैं और 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया था। कहा गया था कि हर हाल में स्वेटर तब तक वितरित कर देने चाहिए, लेकिन अभी तक इस पूरे प्रकरण में किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। स्कूलों में अभी तक स्वेटर नहीं पहुंचे और 30 नवंबर की जो डेडलाइन थी वो भी निकल चुकी है। देखिए, अभी हमारे यहाँ जो इस जनपद में जेम पोर्टल से जिनका L1 जो आया था शुभम टेक्सटाइल, उसको हमने 10 अक्टूबर को ही क्रयादेश दे दिया था। 9 नवंबर तक उसे देना था, अगर चूंकि जिलाधिकारी महोदय से भी हमने जब वो नहीं दे पाया तो उसने हमने उनको एक नोटिस जारी की, क्यों ना आपको आपके विरुद्ध जेम पे आपत्ति दर्ज कराते हुए और ब्लैक लिस्टेड करा दिया जाए। अब तक की जो स्थिति है, हमने एक डेडलाइन इसलिए दी थी, डेडलाइन देना पड़ता है ताकि सामने काम का एक टारगेट रहे। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये था कि सर्दियां शुरू होने से पहले, चूंकि हम फुल स्वेटर देते हैं, फुल स्वेटर शुरू होने का मौसम आए उसके पहले बच्चों को फुल स्वेटर मिल जाए। जैसे आज SC/ST की समीक्षा कर रहे हैं, आज तो एक विशेष तरह के संस्थानों की, इसी तरह से आने वाले दिनों में लगातार एक एक बिंग की समीक्षा करने वाले हैं। स्वेटर वितरण की समीक्षा तो डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है। अभी तक की स्वेटर वितरण की जो स्थिति है, हमारे सभी 75 जिलों में स्वेटर की आपूर्तिकर्ता जो फर्में हैं वे स्वेटर की आपूर्ति कर रही हैं। कौशाम्बी के डैया गांव में चौकीदार को अज्ञात बदमाशों ने घर के पास ही गोली मार दी। परिजन इलाके के लिए प्रयागराज लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
स्टेट हॉस्पिटल इलाहाबाद प्रयागराज में रेफर किया, वहाँ उसे मृत घोषित किया गया। वहाँ पे जैसे ही इस चीज़ की सूचना मिली हम लोगों को, तत्काल हम लोगों की जो फॉरेंसिक टीम है और सभी अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे हैं और सीन ऑफ क्राइम का भी एनालिसिस कर लिया गया है, बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। आगे की विधि मैनपुरी से अगली खबर, जहां पर उत्तम नर्सिंग होम में दो नवजातों की मौत हुई है, ऑक्सीजन ना मिलने से दो बच्चों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की मैनपुरी से, जहां पर उत्तम नर्सिंग होम में दो नवजातों की मौत, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण दोनों की मौत हुई। रुपए जमा ना कर पाने पर ऑक्सीजन नहीं दी गई, स्टाफ ने 10,000 जमा करने के लिए कहा था और 3500 जमा करने के बाद भी इलाज नहीं शुरू किया गया बच्चों का, ऑक्सीजन नहीं दी गई उनको। उत्तम नर्सिंग होम का ये पूरा मामला है जहां पर दो नवजात बच्चे ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत का शिकार हुए। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र की पिटाई करना एक दरोगा को इस कदर भारी पड़ा, पुलिस अधिकारियों ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्रवाई के बाद पुलिस के मुताबिक झगड़े में पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है और छात्रों और पुलिस कर्मियों की ओर से भी तहरीर ले ली गई है। आगे की जांच जारी है जिसके आधार पर जांच की कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारत समाचार पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां पर एक छात्र को पीटना पुलिस वाले को महंगा पड़ा। हमारे साथ रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रोहित, छात्र की पिटाई के बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और देखिए छात्रों की तरफ से और पुलिस वालों की तरफ से भी तहरीर ले ली गई है, क्या कुछ अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है आगे? देखिए, इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए, चूंकि छात्र काफी गुस्से में थे इसलिए राहत देते हुए, उनके गुस्से को शांत करते हुए दरोगा जो था, जो आरोपी था, उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और दोनों तरफ से तहरीर लेके इस मामले में जांच की जा रही कि आखिरकार क्या गलती थी, किसकी गलती थी, किस कारण विवाद हुआ। तो कुल मिला के पुलिस कहा जाए तो दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उधर दरोगा को सस्पेंड करने से पुलिस कर्मियों में भी आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिसिंग कैसे होगी, लेकिन छात्रों का कहना है कि दरोगा नशे में था और नशे के दौरान जब ड्यूटी करेगा तो इस तरीके की हरकतें जो है वो कानून व्यवस्था को बनाने की अपेक्षा बिगाड़ती ही है। इस मामले में फिलहाल अभी एक जांच कमेटी बिठा दी गई है, उसके बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दरोगा को सस्पेंड कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सिंह इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। मिर्जापुर के राजापुर गांव में एक घायल विधवा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दर दर भटक रही है। अस्पताल में भर्ती विधवा घायल अवस्था में ही न्याय के लिए एसपी ऑफिस पहुंच गई, जिसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिल सका। दरअसल 4 नवंबर को पीड़िता के देवर ने ही पारिवारिक विवाद में उसके पति और बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिसमें उसके पति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो न्याय की गुहार लगाते हुए विधवा देखिए दर दर भटक रही है, क्योंकि उसके पति की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया हत्यारों को। 4 नवंबर को यह घटना हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं। एसपी ऑफिस के भी चक्कर लगा चुकी, हॉस्पिटल में भर्ती थी महिला, लेकिन अब घायल अवस्था में ही ये अपने लिए मदद की आस लेकर दर दर जा रही है, पुलिस के पास पहुंच रही है, एसपी कार्यालय भी पहुंची, वहां पर इसने मदद की बात भी सामने रखी, लेकिन अभी तक इस विधवा की किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं की गई है और अभी तक जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा नहीं गया है, वो अभी भी घूम रहे हैं और पीड़िता का ये कहना है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन उनकी मदद करने के लिए अब कोई भी आगे नहीं आ रहा है। पवन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, ये जो पीड़ित विधवा महिला है ये एसपी कार्यालय भी गई है, अपनी बात भी इसने सामने रखी, तो इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? इसके पति की हत्या हो गई, अभी तक जो हत्यारे हैं वो बाहर क्यों हैं? जी, आपको बता दें कि ये बीते 4 नवंबर का मामला था जिसमें पारिवारिक विवाद में एक भाई ने एक भाई के परिवार कुल्हाड़ियों से मारा था, जिसमें इलाज के दौरान बड़े भाई की मौत हो गई थी। जो उसकी पत्नी विधवा पत्नी है इसमें, उसको वो भी घायल अवस्था में है, दर दर भटक रही है, क्योंकि जो अपराधी है उनके ऊपर पुलिस की मेहरबानी बकायदा जो है जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें भी किला वाले संबंधित जो मारपीट किया गया हत्या की जो धाराएं होती है
वो भी समुचित तरीके से नहीं लगाई गई है। उसके बाद जो आरोपी खुलेआम घूम करके जो पीड़ित विधवा महिला है उनको धमकी दे रहा है जान से मारने की, दो बार तीन बार कोशिश भी कर चुका, पीड़ित महिला लगातार गुहार लगा रही है की हमारी और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, लेकिन प्रशासन ने यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। झांसी में अमेरिकन चर्च की जमीन को फर्जी तरीके से खरीदकर उस पर ओम शांति हाइट्स नाम से अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने बड़ा खुलासा किया। इस मामले में कार्रवाई के लिए शिकायत करने वाले फिरोज करीम ने बताया कि जिस जमीन पर अपार्टमेंट बना है वो जमीन अमेरिकन ट्रस्ट की है। स्टीफन सिंह ने धोखाधड़ी करके इस जमीन को बेचा। स्टीफन पहले भी कई तरह के जमीन को फर्जी रूप में बेच चुका है। मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फर्जी तरीके से जमीन को बेचा गया है और कहा जा रहा है कि जिसने जमीन को बेचा है वो इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। ये जमीन नंबर 355 है और ये मामला ऐसा है कि स्टीफन सिंह नामक व्यक्ति ने इस जमीन को बेच दिया है और उसको अपने आप को सेक्रेटरी कहता है, जबकि कहीं कोई बिशप पादरी किसी सेक्रेटरी को बेचने का जमीन का कोई हक नहीं है और वो फर्जी अपने आप बताता है। झांसी की तमाम जितनी भी ईसाई संस्थाएं चल रही हैं उसमें कहीं भी इसका नाम नहीं है। यूपी डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने साइबर क्राइम पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया है। कार्यशाला का आयोजन लखनऊ के गोमती नगर पुलिस मुख्यालय में हुआ। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर देखिए साइबर क्राइम कार्यशाला का शुभारंभ किया है डीजीपी ओपी सिंह ने, दीप प्रज्वलित कर यह आयोजन हुआ। कार्यशाला का आयोजन लखनऊ के गोमती नगर 75 में से 64 जनपद और 149 थाने जो चिन्हित किए गए थे जिसमें विगत वर्षों में ज्यादा अपराध हुए हैं उनमें से 106 थानों में साइबर इकाइयां सेटअप हो गई। साथियों आप सबको मालूम होगा कि साइबर क्राइम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका उदाहरण इस नंबर से पता चलता है कि 2015 से 2019 के बीच में विगत चार वर्षों में साइबर क्राइम में 3.5 गुना की वृद्धि हुई है। तो हम वो करें, आपको मालूम है कि हमने पहली बार आईजी रैंक के ऑफिसर को साइबर क्राइम को हेड करने के लिए दिया, हमने एसपी साइबर क्राइम यहाँ नियुक्त किया और आने वाले समय में हम सभी रेंज हेडक्वार्टर्स में साइबर थाने खोलेंगे। अभी हमारे पास लखनऊ और नोएडा में है, बाकी 16 जनपदों में 16 रेंजेस में हम साइबर क्राइम थाने खोलेंगे। मुझे इस बात की खुशी है ये बताने में कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2 सालों में साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर हुए हैं और उनमें अरेस्ट की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। यूपी में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के विधायक चुने जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी नेता अरुण सिंह ने नामांकन किया। नामांकन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। एक साधारण से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली, उसके बाद आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना नाम अभी मैंने नामांकन किया। पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक साधारण कार्यकर्ता को दी है, इसके लिए सर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता निष्ठा रूप से मेहनत से डेडिकेशन से लगन से अगर काम करता रहे तो पार्टी अवश्य रूप में कार्यकर्ताओं को ध्यान देती है। पद हो कद कोई पद बड़ा छोटा नहीं होता, वह कार्यकर्ता ही एक सबसे बड़ा पद होता है। और प्याज की बढ़ती कीमतों से आम जनता काफी परेशान है। प्याज 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाली अब 100 रुपए किलो में बिक रही है। झांसी में छात्रा ने अपनी मां के साथ किचन में प्याज की पूजा की, लेकिन क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए आप। ओम प्याज देवाय नमः। जी हाँ, बढ़ते प्याज के दामों से त्राहिमाम करने के बाद अब आम जनता प्याज के चरणों में चली गई है। बाकायदा फूल माला अर्पित कर अगरबत्ती और दिया जलाकर पूरे विधि विधान के साथ आरती भी की जा रही है। प्याज के आसमान छूते दामों ने सबको रुला दिया है।
आम आदमी परेशान है, वैसे महंगाई हमेशा से चुनावी मुद्दा रही है, पर सभी फसलों में एकमात्र प्याज ही है जो सरकार गिराने का दम रखती है। जिसकी बढ़ी कीमतें अमीर से लेकर गरीब तक को रुलाती हैं, प्याज की कीमत हमेशा से राज्य एवं केंद्र सरकारों के लिए सिरदर्द बनी रहती है। बात करें झांसी की, तो झांसी में भी प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और इसी के चलते एक छात्रा ने अपनी मां के साथ किचन में प्याज की पूजा करते हुए प्याज की आरती भी की। आखिर क्यों इस बच्ची ने इस प्याज की पूजा की, आइए जानते हैं इसी बच्ची से। मैं प्याज की पूजा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्याज 80 से 100 रुपए किलो है। पहले मेरी मम्मी 5 किलो लाती थी और अब 1 किलो लाती हैं और डेली प्याज के पराठे बना करते थे, अब वो चीज़ें होना कम हो गई हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि फिर से मेरे यहाँ इतनी प्याज आए। तो बाकायदा इस बच्ची ने प्याज की पूजा अर्चना की है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बच्ची की प्रार्थना कब रंग लाती है और कब प्याज के दाम कम होते हैं और कब एक बार फिर प्याज आम जनता की थाली तक पहुंच पाता है। SS झा, भारत समाचार, झांसी। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, CBSE परीक्षा का पैटर्न अब बदलेगा, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर कि CBSE की परीक्षा का पैटर्न अब बदलेगा, 10वीं 12वीं की परीक्षा का पैटर्न अब बदला जाएगा, यानी कि अब जो परीक्षाएं होंगी उनका पैटर्न पहले के जैसा नहीं रहेगा, इसमें चेंजेस किए गए हैं। इस साल से CBSE परीक्षा का पैटर्न बदल जाएगा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि अब तक जिस पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं होती थी, अब उस पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाएगा, अब एक नया पैटर्न लागू किया जा रहा है। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का पैटर्न अब बदल दिया जाएगा, CBSE परीक्षा का पैटर्न बदलेगा, इस साल से इस पैटर्न को लेकर बदलाव होगा। कुमार पुष्कल हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर। कुमार पुष्कल, किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं CBSE की परीक्षा को लेकर, जो पैटर्न बदला जा रहा है 10वीं 12वीं की परीक्षा का? देखिए शिवांगी, जो HRD मंत्री है रमेश पोखरियाल, उन्होंने साफ तौर पे आज संसद में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सभी विषयों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करीब 25% होंगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होने हैं वो इस बार CBSE के 10th और 12th की परीक्षा में शामिल होंगे। इसका पैटर्न इस बार चेंज हो रहा है और आज इन्होंने 2019-20 के लिए परीक्षा के पैटर्न की बदलने की बात संसद में उठाई थी, क्योंकि दो सांसदों ने ये बात उठाया था, केसरी देव पटेल और चिराग पासवान ने संसद में इस पूरे मामले को उठाया था। तो कहीं ना कहीं जो रमेश पोखरियाल है, इन्होंने इस पर अपना जवाब दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। हमीरपुर जिला अस्पताल अन्ना सांडो का नया ठिकाना बन गया है, यहाँ बेरोक टोक खुलेआम मरीजों के बीच से गुजरते सांडो को देखकर लोग घबरा जाते हैं। इस जिला अस्पताल में OPD खत्म होते ही जिला अस्पताल बन जाता है अन्ना सांडो का आशियाना। अस्पताल प्रशासन अब इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा है और देखिए मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस हॉस्पिटल में ये अन्ना सांड किस तरह से लॉबी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से जो वहां पर मरीज आते हैं वो भी काफी परेशान होते हैं, तीमारदारों में खौफ रहता है सांडों की वजह से। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो अस्पताल प्रशासन है वो किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहा है और बेरोक टोक ये अन्ना सांड अंदर घुसते हैं। चित्रकूट से अगली खबर, जहां नहर के पानी से सिंचाई को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों में महिलाएं भी शामिल थी, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बहेलपुरवा थाना क्षेत्र के अचवारा गांव का मामला। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।